दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 90 की बहुत ही क्यूट ब्यूटीफुल अदाकारा के बारे में। जिस वक्त ये बॉलीवुड में आई थी उस वक्त बॉलीवुड में जूही चावला, रवीना टंडन और करिश्मा कपूर जैसी एक्ट्रेस अपना जलवा बिखेर रही थी, लेकिन ये इन सबसे हटके थी जो खुद फिल्मी बैकग्राउंड से आती हैं। इनकी ग्रैंडफादर ने 150 से ज़्यादा फिल्में बनाई है और इनके पापा बॉलीवुड के बहुत मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं। इसके अलावा हम बात करें इनकी छोटी बहन की तो आज के ज़माने में वो सुपरस्टार है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पूजा भट्ट की। आज हम इस वीडियो में पूजा भट्ट के वो कई सच्चाई जानने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो आगे वीडियो शुरू करते हैं। पूजा भट्ट महेश भट्ट की पहली पत्नी की बड़ी बेटी है। उनकी पहली पत्नी का नाम था किरण भट्ट। इनका एक भाई है जिनका नाम है राहुल भट्ट। तो बात करें आज की सुपरस्टार आलिया भट्ट की तो यह उनकी छोटी सिस्टर है। पूजा भट्ट ने बचपन से ही अपनी फैमिली में फिल्मी माहौल देखा है। इनकी जो दादा थे वो बॉलीवुड के बहुत मशहूर डायरेक्टर थे। इसके बाद सभी जानते हैं कि महेश भट्ट के बॉलीवुड में कितना नाम है और यही कारण है कि उनके घर पर बॉलीवुड के स्टार आना जाना लगा रहता है। पूजा भट्ट ने पहली बार फिल्मों में काम करी थी, वो फिल्म थी डैडी, जो यह फिल्म महेश भट्ट ने ही बनाया था। पहले तो पूजा भट्ट ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दी थी, लेकिन उनके पिता महेश भट्ट ने पूजा को बहुत समझाया, इस फिल्म की काफ़ी तारीफ की थी। इसके बाद बॉलीवुड में धमाका मूवी आई थी जिसका नाम था दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म में पूजा भट्ट और आमिर खान की केमिस्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त थी और पूजा भट्ट इस फिल्म में बहुत क्यूट लग रही थी। इस फिल्म के गाने फिल्म दोनों ही सुपरहिट रहे थे। इस फिल्म से पहले पूजा भट्ट का एक और पहले फिल्म का ऑफर आया, यह वह फिल्म थी आशिकी, जिसको पूजा भट्ट ने फिल्म करने से साफ मना कर दिया। पूजा भट्ट ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वह 12 साल की उम्र में वह स्कूलों में एक लड़के से प्यार कर बैठी थी और वह 17 सालों तक एक दूसरे को डेट करते रहे। पूजा भट्ट का बॉयफ्रेंड का कहना था कि अगर वह फिल्म करेगी तो वह उससे शादी नहीं करेगा, वह किसी और साथ करना चाहती थी। इस बात को लेकर पूजा भट्ट ने आशिकी फिल्म करने से मना कर दिया था, लेकिन कुछ सालों के बाद उनका बैकअप हुआ और उसके बाद वह फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और उसके बाद की फिल्म थी दिल है कि मानता नहीं। अब हम बात करते हैं कि पूजा भट्ट की अफेयर की, तो पूजा भट्ट का पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है। पूजा भट्ट का नाम आए दिन किसी न किसी एक्टर के साथ जोड़ा जाता है। उनका नाम बॉलीवुड में काफ़ी सुपर मशहूर है। उनकी अफेयर की खबरें बॉलीवुड में काफ़ी चर्चित है। उनका नाम बॉलीवुड के सुपरस्टार बॉबी देओल, अरशद वारसी, चाहे अक्षय खन्ना हो या उनके पिता का रिश्ता हो, एक्चुअली एक मैगजीन कवर में एक फ़ोटो छापी जिसमें पूजा भट्ट और महेश भट्ट बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में डाल दिया। इस मैगजीन के कवर पर पूजा भट्ट महेश भट्ट के साथ किस करती हुई नज़र आई थी। इस मैगजीन देखने के बाद लोगों ने कहा कि किसी की बाप बेटी का प्यार नहीं हो सकता। इसके बाद महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं इनसे शादी कर लेता। उसके बाद पूजा भट्ट ने एक और मैगजीन में फ़ोटो आया जिसमें वो पूरे न्यूड बीप दिख रही थी। इसके बाद पूजा भट्ट से लोगों की काफ़ी नाराज़गी बढ़ने लगी। उसके बाद लोगों ने पूजा भट्ट की फिल्में बहुत कम देख रहे थे। इसके बाद पूजा भट्ट ने डिप्रेशन का शिकार होने लगी। इस कारण पूजा भट्ट ने खराब नशा करने लगी थी। वह कहती है कि उनकी शराब की लत बहुत गहरी थी और वह सिगरेट पीना भी शुरू कर दिया था। अगर वह नशा नहीं करेगी तो वह अपने कैरियर पर फोकस भी नहीं कर पाएगी। कुछ ऐसा हाल था पूजा भट्ट का। और खराब के नशे के कारण इनकी लिविंग रिलेशनशिप ज़्यादा दिन नहीं चल पाता था। एक दिन पूजा भट्ट ने खराब के नशे में अपने पिता महेश भट्ट को मैसेज किया जिसमें लिखा था आई लव यू। इस पर महेश भट्ट का जवाब था कि अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो
तो पहले खुद से प्यार करो ताकि तुम्हारे अंदर का पिता बच जाए। और इस बात से पूजा भट्ट शराब धीरे धीरे छोड़ना बंद कर दिया। तो दोस्तों, पूजा भट्ट की लाइफ स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।